हाय फ्रेंड्स, अब्रिम स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फोटोशॉप में, फोटो के बारे में। ठीक है, तो किसी भी इमेज को हम लोग डिजाइन में जब यूज करते हैं उसको दो कलर में कन्वर्ट करके या दो कलर या तीन कलर में, ठीक है, तो उसको किस तरीके से जो कि कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने का क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, जो कि इस पर जो कि हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं उसी का जो कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, इसमें सिंपल के थ्रू है जो कि हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो कि कुछ इमेज है जो कि हम आपको रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको जो कि सिंपल में हम इससे जो कि हम लोग उदाहरण लेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी इमेज को डिजाइन बनाते समय आपको जब भी आप डिजाइन बनाते हैं या डिजाइन बनाने के लिए आप जब कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट बनाते समय ही आपको ये चीज़ कन्फर्म करना है कि आपको ये क्या है नहीं है। ठीक है, जब इसको आप कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये कलर में या ऐसे ये डिजाइन बनेगा, उसके बाद जो कि आपको इमेज को डाउनलोड करना है या इमेज को आपको खोजना है, उस हिसाब से जो कि इसको काम करना है। ओके, तो यहाँ पर जो कि देखिए मेरे पास ये इमेज है, इसको हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, इसको हम लोग दो जगह पर यूज करेंगे। या तो हमको इसको मैजेंटा और ब्लैक का डिजाइन रहेगा तो मिला जुला करके ये चल सकता है, मैजेंटा ब्लैक मिला जुला के चल सकता है, मगर ये कन्फर्म नहीं चल सकता। ये कहाँ पर कन्फर्म चलेगा, ये चलेगा जब इसमें हम लोग रेड रखेंगे। रेड का मतलब होगा कि आपको येल्लो और यहाँ पे जो कि आप मैजेंटा रखिएगा तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, या अगर आप स्पेशल रेड का अगर प्रिंट करना चाहते हैं स्पेशल रेड, ठीक है, उस सिचुएशन में आप इसको हम आपको सलाह देंगे कि आप ग्रे स्केल यानी कि सिंगल कलर का डिजाइन बना करके उसके बाद आप चेप दीजिए स्पेशल कलर। कोई भी कलर आप चलाइएगा, रेड चलाइएगा, ब्लू चलाइएगा, ठीक है ना, नेवी ब्लू, जो भी ब्लू हो गया, कोई भी स्पेशल कलर आप चलाते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप सिंगल कलर डिजाइन यूज कीजिए। ठीक है, और अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग रेड में करेंगे। तो रेड में हम लोग को करने के लिए क्या है, इसको हम लोग सिंपल जैसे कि कल का जो प्रक्रिया में हमको बात किया उसी तरीका से यहाँ पे हम लोग आते हैं। पहले इसको मोड है जो कि हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पर मोड करेंगे CMY के, यहाँ से ओके कर देंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, हम लोग यहाँ पर जो कि लेयर रहता है यहाँ पर हम लोग चैनल में आ जाते हैं। चैनल में आने के बाद यहाँ पर सियान को जो कि बंद करते हैं। देखिए ये है, अब यहाँ पर अगर हम इसको तीन कलर यानी सियान को अगर मर्ज कर देते हैं तब तो ये ऐसा आ जाएगा, तब आपको तीन कलर में ये काम में आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरा बात, तीन कलर कौन कौन रहेगा, तीन कलर आपको मैजेंटा रहेगा, येल्लो रहेगा और यहाँ पे ब्लैक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि हम आपको पहले आपको इसको हम तीन कलर में करके दिखाते हैं, उसके बाद हम इसको दो कलर में आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, उसी तरीका से आपको यहाँ पर भी देख लेना कि यहाँ पर जैसे कि एक यहाँ पर डिजाइन है, अब ये डिजाइन को देख लीजिए, अब ये डिजाइन है, ये डिजाइन कहाँ पे काम में आएगा, ये डिजाइन आप जब मैजेंटा, समझ रहे हैं, मैजेंटा और ब्लैक का जब डिजाइन बनाइएगा उस समय जो कि ये डिजाइन आपको परफेक्ट बैठेगा, कहीं पर से कोई नहीं भागेगा, एकदम एग्जैक्ट कलर रहेगा। इस ये कैसे एग्जैक्ट कलर रहेगा ये भी हम बताते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए चैनल में, चैनल में आने के बाद यहाँ सियान को जो कि यहाँ से हम लोग बंद करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सियान को बंद करने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद सियान है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या है येल्लो, अगर हम लोग मैजेंटा और इसको ब्लैक में रखेंगे तो हम येल्लो को भी हटाएंगे ना, तो हम लोग येल्लो को भी हटाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, ठीक है, अब इसमें हम लोग को देखना है कि मैजेंटा में क्या येल्लो का मात्रा थोड़ा सा है ज्यादा, सियान का कितना मात्रा है, अगर हम लोग बंद करते हैं सब, सियान का भी मैटर काफी ज्यादा है। तो हम लोग एक उपाय कर सकते हैं कि यहाँ में जो आपका सियान जो है, सियान को है जो कि हम लोग आपका जो दो कलर बचेगा मैजेंटा ब्लैक उसके साथ है जो कि आप इसको मर्ज कर दीजिए जैसा कि हम कल बताए हैं, उसी तरीका से जो कि इसको यूज में लाइएगा। ऐसे भी इसको अगर दो कलर अगर हम बंद करते हैं तो ये मैजेंटा ब्लैक में क्वालिटी आ जाएगा और ये ठीक आ जाएगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीका से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ला सकते हैं, इसको भी हम आपको करके दिखाएंगे। उससे पहले जो कि हम लोग यहाँ आ जाते हैं, इसको है जो कि हमको सियान हटाना है यहाँ पर, यानी कि सियान ब्लैक अगर हम लोग हटाएंगे तो कैसा लगेगा, और यहाँ पर जो कि हम लोग रेड अगर करते हैं तो कैसा लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम लोग सियान सेलेक्ट करते हैं, सियान को कंट्रोल ए करेंगे, यानी यहाँ पर सियान सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना, यहाँ कंट्रोल ए कंट्रोल सी यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पर जो कि हम लोग एक नया लेयर ले लेंगे, ठीक है, नया लेयर ले करके यहाँ पर जो कि पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर जो कि नॉर्मल में जा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, सियान को जो कि हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया, ये अपने पास क्या है, अपने पास ये तीन कलर में है, ठीक है, तीन कलर में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे जो कि नया लेयर लेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको ऑन करेंगे और इसको जो कि यहाँ से
डिलीट करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे करने के बाद है जो कि हम लोग इसको मोड में आ जाते हैं। मोड में आने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे ये कलर करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सियान अपना गायब हो गया है, तो ये कलर है ठीक है। अब इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे जो कि हम आपको दो कलर में करके हम दिखा रहे हैं कि दो कलर में कैसा लग रहा है। देखिए दो कलर में ये है, अगर ब्लैक को भी इसके साथ अगर मर्ज कर देते हैं या ब्लैक को अगर हम लोग हटा देते हैं तो ये ऐसा लगेगा ठीक है। सियान को है जो कि हम लोग तीन कलर के साथ मर्ज कर दिए हैं, तो यहाँ पे मैजेंटा, येल्लो और ब्लैक तीनों मिला करके ऐसा है, और यहाँ पे जो कि सिर्फ दो कलर येल्लो और मैजेंटा अगर रहेगा तो ये ऐसा लगेगा ठीक है। ये अपना तीन कलर हो गया। अब यहाँ पे आइए, अगर हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल को अगर हम लोग डायरेक्ट जैसे कोई फोटो को अगर हम लोग खोलते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लोग गायब करेंगे ब्लैक और डायरेक्ट गायब करेंगे मैजेंटा, तो देखिए कितना चीप लग रहा ना। अब यहाँ पे आ जाइए, इस केस में हम लोग देखते हैं कि इस केस में हम लोग को क्या है, इसमें जो कि अपना सियान का काम ज़्यादा है, तो हम लोग सियान को जो है अपना मैजेंटा और ब्लैक के साथ है जो कि मर्ज कर देते हैं, और येल्लो को जो कि डिलीट कर देंगे ठीक है। तब देखते हैं ये कैसा लगता है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, सियान को जो कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और सियान को जो कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे ठीक है। लेयर में आ जाते हैं, लेयर में आने के बाद नया लेयर लेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, और उसके बाद यहाँ से जो कि मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। अब सियान को जो कि हम लोग यहाँ से डिलीट कर लेंगे, और यहाँ से जो कि येल्लो को जो कि यहाँ से डिलीट कर लेंगे ठीक है। और यहाँ पे रह गया दो कलर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पर जो कि यहाँ पे जो कि नया चैनल लेंगे, चैनल को ऊपर में रखेंगे, फिर से एक नया चैनल लेंगे, और ये चैनल को है जो कि ऊपर में रखेंगे ठीक है। और ये दोनों को है जो कि ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो कि कंट्रोल डिलीट करेंगे, और यहाँ पर जो कि कंट्रोल डिलीट करेंगे ठीक है। अब यहाँ पे जो कि हम लोग आएंगे इमेज में, इमेज में आने के बाद मोड में, और यहाँ से जो कि सी एम वाई पे करेंगे ओके। अब ये देखिए ये ऐसा लग रहा है, हम लोग सियान को है जो कि इसके साथ मर्ज किए हैं, तब ये अपना ऐसा कुछ लग रहा है। सियान में नहीं है, मैजेंटा में है, येल्लो में नहीं है, ब्लैक में है ओके। तो ये है जो कि आपका इस तरीका से हो गया। अब है जो कि इसको हम सेव कर देते हैं ओके। सेव करके आगे एफ लगा देते हैं, सेव करके फिर से जो कि ये इमेज को हम लोग खोल देते हैं एक बार, तो ये कुछ इस तरीका का लग रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर इसको हम लोग दो कलर में करते हैं ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर जो कि येल्लो और मैजेंटा बंद करते हैं, तो ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर जो कि ये देख लीजिए, ये लग रहा है कि ये इमेज है जो कि हम यहाँ पर डायरेक्ट ला करके आपको दिखाते हैं, देखिए कितना के अंतर है ना। तो आप इस तरीका से बना सकते हैं, ये परफेक्ट है। अच्छा, इसमें हम लोग एक काम और नहीं किए थे, यहाँ पर आ करके हम लोग कंट्रोल एल करते, कंट्रोल एल करके, और मस्त लग रहा है। इस तरीका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें आपको मेहनत करेगा, जितना आप इसमें टाइम लगाएगा उतना अच्छा ये तैयार होगा, उतना अच्छा ये डिजाइन उतरेगा ठीक है। उसके बाद है जो कि आप इसको सेव कीजिए, और ये तो अपना फाइनल है, इसको यहाँ से आपको सेव करना है। अगर इस तरीका के अगर ग्राउंड के साथ अगर आपको यूज करना है, तो आपको यहाँ पर टिप बना करके उसी तरीका से सेव कर लेना, उसके बाद जो कि कोडल में आपको इम्पोर्ट कर लेना, इम्पोर्ट करके उसके बाद आप इसको डिजाइन में अप्लाई कर सकते ओके। तो आप इस तरीके से जो कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अभी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कुछ ज़्यादा अच्छे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अभी इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर।